महेंद्रगढ़ विधानसभा में कई राजनीतिक चेहरे अपना दम दिखाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सुरेंद्र कौशिक भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। सुरेंद्र कौशिक ने सब्जी मंडी के पास बनी रामलीला ग्राउंड में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, दर्जनों गांव से लोग अपने साधनों को लेकर डीजे की धुन, ढोल नगाड़ों के साथ महेंद्रगढ़ की रामलीला ग्राउंड में पहुंचे और सुरेंद्र कौशिक को आने वाले विधानसभा चुनाव में खुलकर समर्थन देने की बात कही। सुरेंद्र कौशिक को अनेकों समाज के लोगों ने सम्मान की पगड़ी पहनाकर व बड़ी फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। उन्होंने बीजेपी सरकार को अच्छा बताया, लेकिन पूर्व विधायक व वर्तमान विधायक पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने महेंद्रगढ़ को इतने सालों तक लूटा है, अब जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी और अब की बार जनता बदलाव का इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि इतनी भारी संख्या में यहां लोग मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दोनों विधायकों ने मिलकर महेंद्रगढ़ शहर को इतना पिछड़ा बना दिया है कि आज महेंद्रगढ़ शहर का जितना बुरा हाल है उतना किसी भी शहर का नहीं है। इस पर सुरेंद्र कौशिक ने दोनों नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। सुरेंद्र कौशिक को दो गाँव की तरफ से 11-11 लाख रुपए नोटों की हार पहनाकर समर्थन देने की बात कही। सुरेंद्र कौशिक के समर्थन में सुरेंद्र बंटी, कृष्णा जांगड़ा पर अनेकों समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर आदमी का एक उत्साह था, हर गांव से, महेंद्रगढ़ शहर से सब लोग यहां पे आए थे। बहुत भारी जनसंख्या में लोग आए थे। लोगों का एक ही था कि नरेंद्र मोदी जी में, खट्टर जी में हमारी आस्था है, परंतु महेंद्रगढ़ में बदलाव चाहिए और महेंद्रगढ़ में हर लोगों की आस्था वो मेरे को आशीर्वाद दे रही है और हमने आज ऐलान किया है कि हम महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव पक्का लड़ेंगे। प्राथमिकता है, यहाँ हर ऑफिस है वो सारा नारनौल में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे ऑफिस यहाँ पर, मैं ये कहूँगा कि हर अधिकारी यहाँ एक सप्ताह में 3 दिन जरूर बैठे और जब अगर मैं विधायक बनूँगा तो हर अधिकारी को 3 दिन यहाँ पक्का बैठाऊँगा। महेंद्रगढ़ के किसी भी आदमी को नारनौल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, जनता के बीच में मेरा बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। हर आदमी सुरेंद्र कौशिक बनकर के चुनाव लड़ेगा। आज आप देख रहे हो, आज आपने देखा है, आप पत्रकार बंधु हैं, आज सब देखा है कि आज महिलाएं भी सबसे ज़्यादा हैं और तो और क्या, बच्चे भी नोटों की माला लेकर के आ रहे हैं, फूल माला लेकर के आ रहे हैं। हर आदमी उत्साह, बहुत ज़बरदस्त उत्साह। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, परंतु ये है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट दे देती है बहुत अच्छा है, परंतु मैं लोगों के आशीर्वाद से अगर मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अब की बार मेरा चुनाव लड़ना निर्धारित है, पक्का है। हाँ बिल्कुल कही है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में दो धाराएं हटाई हैं, 370 और 35 अमन चयन वहां स्थापित किया है। महेंद्रगढ़ में भी ये दो धाराएं हैं 370 और 35A। जनता के आशीर्वाद से आज जनता ने हाथ उठा करके कहा है कि 10वें महीने में ये दो धाराएं हम महेंद्रगढ़ से भी खत्म करेंगे, पक्का।